आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कम नींद लेने से होने वाले नुकसानों के बारे में। नींद हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोने के दौरान ही हमारा शरीर अपनी मरम्मत करता है। नींद को अपने शरीर और दिमाग के लिए छुट्टी की तरह माने, और छुट्टी की जरूरत किसको नहीं होती। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं पा रहे हैं तो इसके कई बुरे असर पड़ सकते हैं आपकी सेहत पर। वैसे तो 8 घंटे की नींद आदर्श मानी जाती है, लेकिन जब अनियमित जीवन शैली के चलते शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ती है तो नींद ही नहीं शरीर की सभी कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरी नींद नहीं हो पाना आनी कई स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा मिलना है। तो आइए जानते हैं नींद की कमी क्या क्या नुकसान करती है और इस कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। पहला, समय से पहले झुर्रियाँ। रात को कम नींद लेने से शरीर में सीआरएम कोर्टिसल नामक तनाव हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी अधिकता से त्वचा का लचीलापन बरकरार रखने वाला कोलेजन नामक प्रोटीन टूटने लगता है, जिससे झुर्रियाँ पड़ने लगती है। त्वचा और आँखों में सूजन या उसके नीचे काले घेरे जैसे लक्षण भी उभरने लगते हैं। दूसरा, कम नींद से वजन बढ़ता है। अधूरी नींद का संबंध वजन बढ़ने से भी होता है, क्योंकि ऐसे में भूख काफ़ी बढ़ जाती है। एक शोध के अनुसार जो लोग 6 या इससे कम घंटे सोते हैं उनमें मोटापे की आशंका 30% ज़्यादा होती है। गर्लिन नामक हार्मोन भूख बढ़ाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कम नींद होने पर गर्लिन की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे भूख पर नियंत्रण रहता है। वहीं मस्तिष्क के उसके उस हिस्से की कार्यशीलता कम हो जाती है जो भूख की संतुष्टि का एहसास करवाता है। तीसरा, दिमाग की मुश्किलें बढ़ती है। नींद की कमी मस्तिष्क संबंधित उन सभी कार्य प्रणाली को बाधित करती है, जैसे एकाग्रचित होने, सोचने समझने, सीखने, याद रखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में कमी आना आदि। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्मरण शक्ति अस्थायी रूप से कमजोर होने लगती है। चौथा, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम बाहरी संक्रमण यानी नुकसानदायक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अधूरी नींद से इस क्षमता पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति की बीमार पड़ने और साइनोसाइट या अस्थमा जैसी एलर्जी से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है। पांचवा, तनाव बढ़ने लगता है। नींद पूरी नहीं होने पर हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में खराब मनोदशा, चिड़चिड़ापन या ज़्यादा गुस्सा आने जैसे व्यवहार परिवर्तन होते हैं, साथ ही पीड़ित तनावग्रस्त रहने लगता है। अगर नींद संबंधी अनियमितता अधिक समय तक लगातार बनी रहे तो तनाव अवसाद में तब्दील हो जा सकता है, इसलिए भरपूर मात्रा में नींद लेना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी कम सोने के नुकसान। मैंने आपको बताया कम नींद लेने से होने वाले नुकसानों के बारे में। इन बातों को अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आशा करते हैं आपका जीवन मंगलमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुनहरा मौका, जिससे न कि सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी बल्कि आपको मिलेंगे स्पेशल उपहार भी। जी हाँ, वो भी सिर्फ 199 के खर्च पर। जी हाँ, 199 रुपये। दोस्तों, इस 199 रुपये में आपको जो स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे वो ये है कि आपको दो बार, महीने में दो बार हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से अपनी बीमारी के कंसल्ट करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। प्लस आपको हमारी दवाइयों पे मिलेगा 50% का डिस्काउंट और शिपिंग फ्री। अब बीमारियां चाहे किसी भी तरह की हो, जैसे कि दिल की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी कई तरह की बीमारियां, इन सब बीमारियों के लिए आपको कंसल्टेशन फ्री मिलेगा। और याद रखिए, एक स्पेशल गिफ्ट ये है कि यदि आप पहले 500 सब्सक्राइबर्स में से एक होते हैं तो आपको मिलेंगी 2 महीने तक दवाइयां एकदम फ्री। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द हमारे पेज पर जाइए, वहां पर बिकम ए सपोर्टर पे क्लिक कीजिए और गूगल पे के थ्रू, जी हाँ गूगल पे के थ्रू 199 का पेमेंट कर इन सभी सुविधाओं का लाभ लें।